सीपी को अपमान करने के लिए तो बीजेपी नहीं दिया, अमित शाह जी ने इनको क्यों लाया? अमित शाह जी के पास वो सरेंडर करके आया और सरेंडर करने के बाद वहां पे आकर दादागिरी दिखा रही है। किसने उनको पावर दिया पर्सनल अटैक करने के लिए पार्टी के अंदर में घुस के? अभी तो बीजेपी फ्लैग नहीं पकड़ा, प्रोदर बीजेपी फ्लैग पकड़ा? ईमानदारी से आया है क्या? वो तो लूबी इस कारण से आया। हम लोग बीजेपी में एंट्री हुआ, मुझे प्रेसिडेंट दो, मुझे ऐसा दो ऐसा दो, कोई आया? हम लोग मोदी को सपोर्ट करने के लिए, मोदी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए, देश ताकि आगे बढ़े, सबका सब सबका विकास हो, लेकिन उन्होंने तो ऐसा करके नहीं आया। ईमानदारी कौन है? तो वो आने के बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट को अटैक कर रही है, तो मेरा जिम्मेदारी बनती हूँ मैं वाइस प्रेसिडेंट, मेरा बीजेपी को सपोर्ट करना, ऐसा घोटाला बस तो मैं बीजेपी है नेता, इसको सपोर्ट करना, इसको खुलासा करना मेरा दायित्व। যদি ভালো করার নাম নিয়ে এন্ট্রি নিয়ে যদি ধ্বংস করতে আয়ে তাহলে নো এন্ট্রি। আপ সব জানতি হ্যাঁ, প্রদোট কা দালালি রাজনীতি, প্রদোট কা ব্রোকার রাজনীতি। প্রদোট জব সে ত্রিপুরা মে আয়া তব সে জাতি কা জাতি কো ডিভাইড এন্ড রুল, ব্যক্তি ব্যক্তি কো ডিভাইড এন্ড রুল, পার্টি পার্টি কো ডিভাইড এন্ড রুল, ইনকা মোক্ষটি এসা হ্যাঁ পতা না ওয়ালা পতাল করনা বিজেপি মে বেদ রহা। और फिर दीप्रासा में जाकर कहती हूँ मैं दीप्रासा के लिए काम करूंगा, पुलिया जाति बोला पार्टी। तो इस तरह जो धालाली नौटंकी राजनीति करने वाला प्रद्योत, वो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद भी नहीं सुधरा। मैं प्रद्योत को आज चैलेंज करती हूँ, प्रद्योत को मैंने आज चैलेंज के साथ और क्वेश्चन भी सॉल्व भी रखती हूँ। बीजेपी का थाली में बैठ के खाकर बीजेपी को गाली देने वाला तुम जैसा नौटंकी बाज पब्लिक पहचाना कोई बाकी नहीं रहा। पूरा पब्लिक के सामने में प्रद्योत को एक ही बात सुन रही हूँ, जितना तुम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किया है ना, जाति का जाति, व्यक्ति का व्यक्ति, पार्टी का अंडर, जनजाति जनजाति जाति, सब का बीच में जितना तुम नफरत फैल रही हूँ, ये नफरत का क्षमा अगर नहीं मांगे, तिप्रसा के पास अगर क्षमा नहीं मांगे और अगर कमिटमेंट नहीं दिया तिप्रसा का तिप्रसा को और डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, तब तक तुम लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत दूर के बात है। सपने भी मौत से सपोर्ट मिलेगा, उसका नतंग की तो हम लोग देख चुका। तो इसलिए मैं जनजाति लोगों को भी अपील करूंगा, जनजाति को जितने भी ठकाई किया है वो ठकाई का जवाब देना आज का ये दिन है। जब तक ये ठकाई राजनीति को हम लोग अनार करेगा वो और भी ठकाई करेगा, एक को नहीं सुना वो सबका साथ ही ठकाई किया। तो ये ठकाई बाजी राजनीति में जुमला राजनीति, जुमला राजा, राजा का नाम से ये बदनाम है, ये राजबाड़ी का राजा का इतिहास को कलंक बना रही है, ये कलंक राजा राजनीति टीप्रासा, हम लोग कलंक राजनीति में घुस रही है, आज तो सब पता चला है। पहले से पाताल करना का पीछे कितना कॉन्स्पिरेसी किया, संक्रांत किया, आज ये संक्रांत में सब जनजाति लोग समझते हैं, हम लोग का जनजाति समाज को जनजाति बरक रंग भूख न पशोखाई की व्याख्या हानिया सीतरा सोयताल बुस बुखुक हानिया बुखुक पे रखा